वहीं जयराम ठाकुर ने अनिल शर्मा के इस्तीफे की बातों का भी खंडन किया। उन्होंने कहा कि अनिल शर्मा ने अभी तक ऐसी कोई पेशकश ना तो उनके पास की है और ना ही पार्टी के पास की है। सीएम ने कहा कि पंडित सुखराम का वे आदर करते हैं क्योंकि वे पहले भी भाजपा सरकार का हिस्सा रह चुके हैं और अब भी उनका बेटा भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री है। यदि उनका बेटा या पिता कोई निर्णय ले रहे हैं तो यह उनका व्यक्तिगत फैसला है और उनके दोबारा कांग्रेस में जाने से पार्टी को कोई ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस में जाने के विषय तो तब होता अगर वो हमारी पार्टी में सदस्य के रूप में होते। शायद मुझे लगता है कि अभी वो पार्टी में हमारी उनके सदस्यता ही नहीं है पंडित सुखराम जी की और उनके बेटे की, तो इसलिए वो अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र हैं। वो जो निर्णय करना चाहें करें, लेकिन ये संदेश देना कि भाजपा छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में जाने की बात, मैंने पार्टी के प्रमुख लोगों से बात की है और उनका कहना है कि जब पार्टी में थे ही नहीं तो भाजपा छोड़ करके नहीं, कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी में उनकी सदस्यता का टर्म समाप्त हो गया होगा या क्या हुआ होगा, उसको नए सिरे से करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये सारी बातें तो वही बता सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, हम पंडित सुखराम जी को सम्मान देते रहे हैं, पहले भी देते रहे हैं, वो पहले भी सरकार का हिस्सा रहे हैं और अभी भी उनके बेटे ने हमारे से टिकट मांगा था विधानसभा का, पार्टी ने टिकट दिया, चुनाव लड़ा, जीता, पार्टी के लोगों ने सहयोग किया और जीतने के बाद वो हमारे मंत्रिमंडल में है और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और मंत्रिमंडल में वो मंत्री के नाते काम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में निर्णय उनको करना है कि क्या करना है। इस्तीफे की पेश मुझे नहीं, अभी तक इस तरह की बात नहीं हुई है, लेकिन ये बातें आगे जब इस दिशा में आगे होंगी तो तभी बात की जा सकती है। पोल स्टार हिमाचल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रदेश से जुड़ी ताजा जानकारी और रोचक कार्यक्रमों के लिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।